अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फ्लैश न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िले मेदक के विलदुर्ती मंडल में कल रात आंधी ने तबाही मचा दी। मंडल के तहत दामारंचा देहात में रात के वक्त तेज़ बारिश की वजह से एक दरख्त टूट कर पोल्ट्री फार्म पर गिरने से भगवान रेड्डी नामी किसान का पोल्ट्री फार्म मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुतासिर भगवान रेड्डी ने बताया कि 5000 मुर्गियों की गुंजाइश वाले पोल्ट्री शेड में तकरीबन 2000 मुर्गियां मर गईं और पोल्ट्री फार्म शेड मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन 15 लाख का नुकसान हुआ। मुतासिर भगवान रेड्डी ने मजीद बताया कि मकामी लोगों ने बताया कि कई दियातों में दरख्त झड़ से उकड़ गए और बिजली के खंभे भी टूट गए। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मर्तबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुंचा रहे हैं, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों, तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश करें। रात्रि 11-12 घंटे को अनकोकुंटा वर्षम घाड़ विपरीत घाड़ पच्ची एम फारम 5000 शेड मोतम कुप्पाई ఏమిట్లో పంజేకుంటా అందులో 5000 పిల్లలు ఉండే సుమారు 3000 పిల్లలు చనిపోయినట్టే ఏమున్నాయో కొద్దిగా అయితే దయచేసి గవర్నమెంట్ కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ దీనికి సాయం చేయాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వం కోరుతున్నాము। మరి ఎంత తక్కువైనా ఈ దినంలో వేయాలంటే 20 లక్షలు కావాలి, మరి కనీసం దయచేసి 15-16 లక్షలు ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి కోరుతున్నాను।